सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव का सुरूर कानपुर में खूब तेजी से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी अश्विनी अवस्थी का वार्ड 56 पहुंचे, जहां अनवरगंज क्षेत्र में पार्षद प्रत्याशी नूर आलम अज्जू कुरैशी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कानपुर में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मेयर प्रत्याशी अश्विनी अवस्थी ने यह भी कहा कि एक मौका हमें भी दे ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जा सके। अगर समर्थन में तो जनता के लिए क्या करेंगे अश्विनी जी, क्या कहना है इस बारे में आपका? मैं जनता से अभी तो अपील करना चाहूंगी कि जनता एक बार कांग्रेस पार्टी पर भरोसा दिखाए और अपना मत बदले और एक बार कांग्रेस पार्टी को नगर निगम में बैठाए, फिर जनता की जो भी समस्या होगी उसको हम निपट से पहले तो नगर निगम में भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म करना रहेगा। दूसरा मेरा काम नगर निगम के जो भी अस्पताल बंद पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चलाना रहेगा। नगर निगम के जो भी स्कूल पड़े हैं बंद उनको भी सुचारू रूप से चलाना रहेगा, क्योंकि गरीब बच्चे आज स्कूल का मुंह नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए मेरा काम सबसे पहले नगर निगम के सभी जो भी भ्रष्टाचार है उसको बंद करना रहेगा। ये थी हमारे साथ आशनी अवस्थी जी, कांग्रेस प्रत्याशी। ने बताया है कि हम सुचारू रूप से सारे काम करेंगे और जनता के सारे हितों की बात रखेंगे। वीडियो चैनल शुभम के साथ मैं रिजवान आलम, प्राइम टीवी। अगर समर्थन तो वही दूसरे वार्डों में भी कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी की इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 101 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी इमरान कुरैशी का बयान भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि उन्हें अपनी जीत जरा सुनिश्चित लग रही है। दरअसल इमरान कुरैशी ने बतौर समाज सेवी क्षेत्र की जनता के लिए काफी काम किया है। काफी समय से वो जनता के सुख और दुख में खड़े हुए भी नजर आए हैं। वही जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे इस बार चुनती है तो मैं अपने वार्ड की तस्वीर ही बदल दूंगा, लोगों को पीने का साफ पानी दूंगा और साफ सफाई को लेकर जनता को किसी भी तरीके से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। जी, मोहम्मद इमरान कुरैशी, मैं वार्ड 101 से पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं सफाई और शिक्षा इन मुद्दों पे, पानी की समस्या को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर जनता ने आपको समर्थन दिया तो सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करूंगा, जो सबसे ज्यादा परेशान करे हुए जनता को, यहाँ की पानी के लिए मैं सबसे ज्यादा कोशिश करूंगा। सफाई जो हमारी क्या क्षेत्र की नालियां बजबजा रही हैं, जो पिछले लोगों ने कुछ किया, सफाई को मैं लेकर के सबसे पहले पानी को लेकर। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं कानपुर के वार्ड नंबर 56 अनवरगंज की। यहाँ बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी करण कुमार का कहना है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और जनता की सेवा के लिए मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ। खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा परिवार सालों से जनता की सेवा में लगा हुआ है। पूरी बातचीत में उन्होंने कई वादे किए हैं, वो आपको भी सुनाते हैं। करण कुमार है, मैं वार्ड 56 से बीजेपी प्रत्याशी हूँ। मैंने MBA किया हुआ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है वो खूब पढ़े। जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी समाज भी आगे बढ़ेगा। हमारे महान नेता, हमारे महान संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था कि दो रोटी की जगह एक रोटी खाइए, मगर लोगों अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो आपको सही गलत का सही गलत आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको लोगों जो भड़काएंगे वो आप करते रहेंगे। और जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा तो ना ही वो अपने घर का, ना ही समाज का, ना ही देश का भला कर पाएगा। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि कृपया करके अपने बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाई लिखाई इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं जनता के लिए, जैसे कि यहाँ की जनता को पानी की बहुत समस्या है, सीवर की बहुत समस्या है, रोड की समस्या है, तो मैं जब अगर जनता मुझे अपने प्यार से इस लायक बनाएगी तो मैं जनता की सारी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करूं।
तो वहीं इस निकाय चुनाव में AIMIM भी पूरी शिद्दत से चुनावी मैदान में दो दो हाथ करती नजर आ रही है। AIMIM से वार्ड नंबर 110 कर्नलगंज से पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद नौशाद चुनावी दंगल में हुंकार भरते हुए नजर आए। इनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, चलिए आपको भी सुनाते हैं इस दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा है। वार्ड 110 का मैं प्रत्याशी हूँ, AIMIM से चुनाव लड़ूंगा। चुनाव के मुद्दे क्या है? मुद्दे यही है, यहाँ गंदगी नालियां भरी रहती हैं, रोड पे कूड़ा पड़ा रहता है, तो यहाँ पार्षद जो है कोई ध्यान नहीं देता। और वार्डों में जो है दो टाइम जो है झाड़ू लगती है, यहाँ एक टाइम भी नहीं लगती, पूरा पूरा दिन गंदगी पड़ी रहती है। अगर जनता ने आपको समर्थन दिया तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह रहमान, पहली इच्छा मेरी ये है कि मैं यहाँ अपने वार्ड में दो टाइम झाड़ू लगवाऊंगा और सफाई सुथराई का ध्यान रखूंगा पूरी तरीके। तो वही वार्ड 89 से भी AIMIM पार्षद प्रत्याशी नफीज अहमद बाबू मैदान में उतरे हुए हैं। खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जनता समय पर बदलाव चाहती है, हम सालों से जनता के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनसे बातचीत के पूरे अंश। मेरा नाम मोहम्मद नफीज उर्फ बाबू भाई है, मैं वार्ड नंबर 89 से AIMIM का पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, पानी बिजली स्वास्थ्य हर चीज की हमारे क्षेत्र में दिक्कत है। वार्ड नंबर 89 में कभी जो है कोई काम नहीं हुआ, आप देख सकते हैं जाकर के नालियां भटभजा रही हैं, गंदगी रोड पर फैली पड़ी हुई है, कोई ना देखने वाला है इसको ना कोई सुनने वाला है। और जो हमारे क्षेत्र में तमाम तरह की परेशानियां है, ये बस्ती जो है गरीब बस्ती है, यहाँ पर बिना पढ़ाई लिखाई हर चीज की दिक्कत है। कभी भी किसी ने यहाँ सीट पे ध्यान नहीं दिया, ना ही स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना एजुकेशन पे ध्यान दिया। अगर जनता ने समर्थन दिया तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? ये जनता नहीं, ये हमारा परिवार है, ये वार्ड नहीं, ये हमारा परिवार है। ये मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहीं पढ़ा पढ़ा हुआ हूँ, मैं इन्हीं के बीच से निकल करके आया हूँ। और मोहल्ले के लोगों ने ही मुझसे कहा कि AIMIM से आप चुनाव लड़िए, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। जिया खान, जनता में जो दिक्कतें हैं क्या क्या दिक्कतें हैं? नाली बिजली पानी गली अंदर कोई आना है, उसकी सड़क रोड बनने की है। तो उद्योग नगरी कानपुर में 11 मई को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को अपने खेमे में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनसे ये दावे और वादे भी कर रहे हैं कि अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वो कानपुर को और साथ ही साथ अपने क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाने का काम करेंगे, जो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम करेगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।